और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दीपावली मनाने उन श्रमिकों के बीच पहुंचे जो कोटा में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बना रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि धारीवाल ने सभी श्रमिकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिन रात मेहनत कर सभी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए रिवर फ्रंट को अंजाम तक पहुंचाने वाले सभी श्रमिकों का नाम इतिहास में दर्ज होगा। और जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए मंत्री धारीवाल ने कहा कि ये कोटा का हेरिटेज रिवर फ्रंट होगा जो पूरे देश में इकलौता होगा, जिसकी कई खूबियां हैं जो कोटा को नई पहचान देंगी। चंबल रिवर फ्रंट पर मजदूरों के साथ, कामगारों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। और फिलहाल धारीवाल साहब, निश्चित तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में ऐतिहासिक होगा, अपने आप में बहुत खास होगा, और इन सबके बीच में दिवाली बहुत खास हो जाती है। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, यही नहीं कोटा के और भी काम कई ऐसे हैं जो कि, और ख़ास तौर पर रिवर फ्रंट में तो वर्ल्ड क्लास चीज़ें लगाई जा रही हैं, वर्ल्ड क्लास। यहाँ जो घंटी बनाई जा रही है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट घंटी है, यहाँ की जो नंदी बनाई गई है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंदी है। ऐसे कई चीज़ें हैं ऐसी जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। 21 अक्टूबर को आपने जो तोहफा दिया 700 करोड़ का, कोटा उसी दिन से दिवाली मना रहा है जी। 21 अक्टूबर को जो कोटा को तोहफा मिला 700 करोड़ की जो प्रोजेक्ट है उनका, नहीं, कोटा वालों को क्या, पूरे प्रदेश वालों को खूब खुशियां हैं। सरकार का पूरा कॉपरेशन जो है वो जनता के साथ है, और जनता का विश्वास प्राप्त है सरकार को। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जनता के बीच है, और निश्चित तौर पर 21 अक्टूबर को 700 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सौगात मिली, और आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मजदूरों के साथ, कामगारों के साथ में चंबल रिवर फ्रंट पर दिवाली जो उत्सव है वो मनाने के लिए पहुँचे, इनको प्रोत्साहित करने के लिए पहुँचे, और कहा कि ये चंबल रिवर फ्रंट जो बना है वो अपने आप में खास है, अपने आप में अनोखा है, जो बहुत हद तक कोटा को नई पहचान दिलाएगा। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया को।